देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। थाना काशीपुर में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम रिपोर्ट दर्ज होने से गुस्साए दर्जनों कांग्रेस नेताओं ने आज एएसपी कार्यालय पहुंच पुलिस का घेराव किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है, अगर दोष निकला तो दबाव नहीं सहा जाएगा। आपको बता दें कि किन्नौज उत्तर प्रदेश निवासी रशीद हुसैन और उसकी पत्नी बीती 5 मई को संपत्ति की खरीद को लेकर काशीपुर स्थित गोपाल बिष्ट के कार्यालय में बैठे थे कि तभी वहां मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता मोहित चौधरी और रवि ढींगरा से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद रशीद हुसैन की पीड़ित पत्नी जोया हुसैन ने थाना काशीपुर में रवि ढींगरा और मोहित चौधरी के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट करने और धमकाने का मुकदमा पंजीकृत कराते हुए दोनों पर कार्रवाई की मांग की है। क्राइम स्टोरी के लिए काशीपुर से रफी खान की रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व काशीपुर में एक ऑफिस में एक विवाद हुआ था, जिसमें कि जोया और राशिद नाम से कन्नौज से पति पत्नी आए थे। उनका ये कहना था कि बरेली में एक गोपाल बिष्ट जो है उनके साथ प्रॉपर्टी का कुछ विवाद था। उस विवाद के सिलसिले में वो बात करने आए थे। वहाँ पर गोपाल के साथ उनके साथी रवि ढींगरा और पित्र चौधरी भी मौजूद थे। जब इनकी बात नहीं बनी, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उस महिला ने ये आरोप लगाया कि उसके साथ वहाँ पे बदतमीजी की गई, मिसबिहेव किया गया और मारपीट की गई। इस तहरीर पर कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज ये सभी कांग्रेसी इस मसले में डिस्कस करने आए थे कि इसमें जो रवि ढींगरा और मोहित चौधरी हैं वो उनका नाम गलत लिखा गया है, ऐसी बात नहीं हुई है, छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसी के संबंध में एक ज्ञापन देने आए थे। उनकी बात सुनी गई है, उनको ये कहा गया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो सही चीज़ होगी वो विवेचना में लाई जाएगी और जो चीज़ सही पाई जाएगी उसी के हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देख रही है क्राइम स्टोरी।